दोस्तों, जैसे जैसे सर्दी समाप्त होने लगती है और टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, वैसे वैसे हमारी फसलों पर सकिंग इंसेक्ट यानी कि रस चूसने वाले कीड़ों का प्रकोप शुरू हो जाता है। और ये प्रकोप तब तक बना रहता है जब तक कि दोबारा सर्दी शुरू नहीं हो जाती। और दोस्तों, यदि हमें पूरी पैदावार चाहिए और अच्छी क्वालिटी चाहिए तो हमें अपनी फसलों से इन इंसेक्ट को मारना होता है, ख़त्म करना होता है। और इसके लिए हम लाए हैं एक इंसेक्टिसाइड जिसका नाम है इमिडा क्लोप्रिड 17.8 SN। ये काफ़ी असरकारक इंसेक्टिसाइड है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जागन सिंह और आज आपको इस इमिडा क्लोप्रिड 17.8 SL के बारे में बताऊंगा। और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों, ये जो इमिडा क्लोप्रिड 17.8 SL होता है ये बहुत ही असरकारक होता है। और ये जो रस चूसने वाले कीड़े होते हैं इनके लिए बहुत ही घातक होता है, यानी कि ये पूरी तरह से उनको ख़त्म कर देता है। और ये कीड़े जो होते हैं, जैसे भुनगा है, हॉपर है, माहू है, चैपा है और विभिन्न प्रकार के जो कीड़े होते हैं, जैसे व्हाइट फ्लाई है, ये सब उड़ने वाले कीड़े होते हैं। चाहे सब्जी वाली फसलें हों, चाहे अनाज वाली हों और चाहे फल वाली, इन सब में इन कीटों का प्रकोप बहुत तेज़ी से होता है। यदि हम पर कंट्रोल नहीं करें तो ये बहुत हानिकारक होता है। और इनमें जो बहुत से कीड़े होते हैं, इनके साथ साथ ये उड़ने वाले कीड़े होते हैं जैसे व्हाइट फ्लाई है या लीफ माइनर की जो मक्खी होती है उस पर भी इसका अच्छा कंट्रोल होता है। और दोस्तों, इसका प्रयोग करके हम अपनी फसलों को बचा सकते हैं और अच्छी क्वालिटी में और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अब दोस्तों, इसकी डोज की बात कर लेते हैं। इसकी जो डोज है यानी कि जो इसकी मात्रा है वो 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से पर्याप्त होती है। और इसके लिए ये मात्रा हमारी फसलों पर अलग अलग होती है। जैसे कि कुछ फसलें ऐसी होती हैं कि उसमें हम कई बार दवा लगाते हैं, यानी कि कई बार दवाई लगाने से काम चलता है, उनमें इसकी कुछ ज़्यादा मात्रा लगानी पड़ती है। और जो एक या दो बार लगाने से ही काम चल जाता है उनमें कम डोज काम कर जाती है। जैसे कि भिंडी है, बैंगन है और ऐसी फसल जो होती हैं जैसे कपास है, इनमें दवाई कई बार यूज होती है तो इनमें थोड़ी डोज ज़्यादा लगानी पड़ती है। और हमारी जो फसल अनाज वाली फसलें हैं जैसे गेहूं है, धान है या फिर मैंगो है, इसमें डोज कम काम कर जाती है। तो दोस्तों, अब हम आपको एक टंकी की डोज बताएंगे। जो हमारी 15-16 लीटर की जो टंकी आती है उसमें ये 10 ml डोज काम कर जाती है। और इसी प्रकार 100 लीटर पानी के लिए करीब 70 ml, या फिर ये कह सकते हैं कि 100 ml की जो मात्रा है वो 150 लीटर पानी में पर्याप्त होती है। और यदि हमारी जो फसल है जैसे हमने बताया कि वो एक बार या दो बार में यूज करके काम चल जाता है तो उनमें इसकी मात्रा जो 100 ml मात्रा होती है वो 200 लीटर पानी में पर्याप्त होती है। और मैंगो जैसी फसलों में और भी कम मात्रा काम आ जाती है। तो दोस्तों, ये जो इसका पैकिंग है ये आपको 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 लीटर में आसानी से मिल जाता है। अब इसकी रेट की बात कर लेते हैं। तो ये जो 1 लीटर का पैक है 1000 से 1200 रुपये तक आसानी से मिल जाता है। और दोस्तों, इसका जो 100 ml का पैक है यानी कि जो 1 एकड़ की जो मात्रा है वो आपको 130 से 140 रुपये में बाजार में आसानी से मिल जाता है और ठीक ठाक कंपनी का मिल जाता है। तो इस प्रकार इसका प्रयोग करके हम अपनी फसलों को ये जो इंसेक्ट होते हैं और ये जो इंसेक्टिसाइड हम चुनाव करते समय सोचते रहते हैं कि कौन सा करना चाहिए, तो इसका प्रयोग करके आप आसानी से इनको आप कंट्रोल कर सकते हैं और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और दोस्तों, ये जो काम करता है वो कैसे करता है, इसका जो हमारे कीड़ों पर असर जो होता है वो इसके जो
तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम पर असर होता है, जिससे हमारा कीड़ा जो है नष्ट हो जाता है। और दोस्तों हमारी फसल अच्छी हो जाती है, क्योंकि ये एक सिस्टेमिक दवा है, इसका असर भी लंबा रहता है, यानी कि एक बार दवाई लगाने के बाद करीब 15 दिन तक इसका असर रहता है। तो दोस्तों इस प्रकार इसका प्रयोग करके हम अपनी फसलों को अच्छी प्रकार इन कीटों से बचा सकते हैं और अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।